वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी मॉम पर बाय ज्योति। आई विश कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड फॉर योर न्यू बॉर्न बेबी पोस्ट योर डिलीवरी। तो ये वाली जो लिस्ट है वो आपको किसी भी बैकपैक वाले वीडियो में नहीं मिलेगी। ये वो लिस्ट है जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में नहीं लेके जानी है, बट इमीडिएटली पोस्ट और डिलीवरी इन सारी चीज़ों की आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ने वाली है। लाइक इनिशियल 15-20 डेज 10 डेज के अंदर ही आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है फॉर योर न्यू बॉर्न बेबी। सो आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेके रखनी है अपने पास पहले से बिफोर योर डिलीवरी, ताकि आपको एकदम भागा दौड़ी ना करनी पड़े या अर्जेंसी में आप कुछ भी ऐसी चीजें ना ले रहे हो जो बहुत ज्यादा यूजफुल ना हो। तो आप अच्छे से रिसर्च करके आपको जिस तरीके की चीजें चाहिए वो आप पहले से एडवांस में लेके रख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पोस्ट डिलीवरी सबसे पहले आपको ये एक बेबी कैरी जो बैग होता है या कैरी नेस्ट होता है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। वैसे तो आप इसे अपने हॉस्पिटल बैग में भी लेके जा सकते हो, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अगर आप बेबी को वहां से लेकर आ रहे हो हॉस्पिटल तो भी आप इसमें रख के आराम से लेकर आ सकते हो, बट अगर आप इसे अपने हॉस्पिटल बैग में नहीं लेके जा रहे और आपने परचेज नहीं किया है तो आपको पोस्ट डिलीवरी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो इसमें आप इजीली बेबी को कैरी कर सकते हो। तो इसमें ना होल्ड करना बहुत इजी होता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट से होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं रहती, आइडिया नहीं रहता, एक्सपीरियंस नहीं रहता है न्यूबॉर्न बेबी को हैंडल करने के लिए, होल्ड करने के लिए, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हो तो आप इसमें आराम से होल्ड करके लेके जा सकते हैं। एंड अगर आप उस तरीके के एरिया में रह रहे हो जहाँ पर रोड वगैरह थोड़ी सी डैमेज है, रोड में खड्डे वगैरह ज़्यादा है, तो अगर आप इसमें लेके जाओगे ना बेबी को रख के, तो जो जर्क वगैरह लगता है, जो खड्डों पर गाड़ी जाने पर थोड़ी सी गाड़ी जंप होती है, वो सारे जो जंप है ना वो बेबी को फील नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छा सॉफ्ट सा रहता है, थोड़ा थिक फैब्रिक का होता है, एकदम कुशन्स होते हैं इसमें, तो इस वजह से ना क्या होता है ये जो गड्ढों वाली रोड पे ना बेबी को इसमें कुछ भी हार्म नहीं होता। तो आप इसमें आराम से अपने बेबी को कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे आपको बार बार हॉस्पिटल विजिट के लिए जाना होगा, वैक्सीन के लिए जाना होगा इनिशियली आपको, देन आपको डॉक्टर के विजिट के लिए जाना होगा, कुछ भी यानी इशू हो जाता है अगर बेबी को दिखाने के लिए लेके जाना, तो आप इसमें आराम से बहुत ईजिली अपने बेबी को विदाउट एनी टेंशन आराम से कैरी कर पाओगे। तो आप इसे ले सकते हो, आपको ब्रांड में भी मिल जाएगा, लोकली भी मिल जाएगा, शॉप पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे परचेज कर सकते हो। सो द नेक्स्ट थिंग विच यू विल नीड पोस्ट योर डिलीवरी, आपको बेबी के लिए कुछ भी एक लाइक बाथ सोप लेना पड़ेगा, या तो आप जो आजकल हेड टू टो बॉडी वॉश आते हैं वो ले सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड हेयर, मैं अपने बेबी के लिए ये यूज़ कर रही हूँ, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड। आपकी बेबी की स्किन को जो भी सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो, तो आई एम यूजिंग दिस वन, बट जो भी है आप ले सकते हो, चाहे तो आप सोप ले लो, चाहे तो आप इस तरीके के जो हेड टू टो वाले वॉश होते हैं वो ले लो। तो इसमें आपको शैम्पू अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड अगर आप सोप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको शैम्पू भी लेना पड़ेगा, तो या तो सोप एंड शैम्पू दोनों ले सकते हो, एंड चाहे तो आप ये इस तरीके का वाला ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना, ये हेड टू टो होता है, तो इसमें आपको अलग से शैम्पू वगैरह कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं होती, इसमें आपका पूरा काम चल जाता है। नेक्स्ट थिंग विच यू विल नीड इज अ गुड मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन फॉर योर बेबी, स्पेशली अगर विंटर के सीजन में डिलीवरी हो रही है तो आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर लेना पड़ेगा, एंड अगर नॉर्मल सीजन में भी है तो आपको मॉइस्चराइजर जरूर से लगेगा बेबी को लगाने के लिए। तो आप अपने जो भी, जैसे मैंने बोला बेबी की जो भी स्किन टाइप है या है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो आपको पहले ना एक छोटा पैक लेना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि छोटा पैक लो, ट्राई करो बेबी के ऊपर, उसको कुछ उससे इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, एंड अगर वो आपको बेबी को अच्छे से सूट हो रहा तो बाद में आप उसके बिग पैक में जा सकते हो। तो लाइक आई एम यूजिंग दिस सेटाफिल फॉर माई बेबी, क्योंकि बेबी वाला जो है वो मेरे बेबी की स्किन पे सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने ये वाला यूज कर रही हूँ। सो आप जो भी अपने बेबी के स्किन को सूट कर रहा है, आपके बजट में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी बेबी के लिए लेके रख सकते हो। देन यू विल नीड अ फेस क्रीम फॉर बेबी, अब आप ऐसा मत सोचना कि बेबी जो इतना छोटा उसके लिए फेस क्रीम अलग से लेने की क्या जरूरत है, जो मॉइस्चराइजर लिया वही फेस पे भी लगा दिया, ऐसा नहीं है। जैसे हम अपने लिए क्रीम अलग रखते हैं, मॉइस्चराइजर अलग रखते हैं, वैसे आपको बेबी के लिए भी मॉइस्चराइजर अलग रखना, क्रीम अलग रखनी है। तो आई एम यूजिंग दिस सेवामेड वन, अगेन नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड, तो जो भी आपकी बजट एंड आपकी बेबी की स्किन को सूट करे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न की स्किन पे रैशेस वगैरह आ जाते हैं, रेडनेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, तो उस केस में आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार आपको लाइक मेडिकली जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो लोशन या क्रीम भी लेने पड़ सकते हैं। तो आप अपनी जो भी बेबी टाइप है उसके अकॉर्डिंग ना, अपनी बजट के अकॉर्डिंग आप कोई भी एक अच्छी सी फेस क्रीम बेबी के लिए ले सकते हो। तो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी अलग से फेस क्रीम आती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज नॉट द मैंडेटरी थिंग बट इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक, तो ये मैंने लिया है लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर द बेबीज क्लोथ।
ये बहुत माइल्ड होता है तो बेबी की जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो हम जो नॉर्मल अपना डिटर्जेंट या सोप यूज़ करते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो वैसा ना हो उसके लिए आप ये माइल्ड डिटर्जेंट बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। एंड इसमें ना एंटी बैक्टीरियल भी होता है, तो उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह है वो भी, जर्म्स वगैरह है वो भी, उसका भी कोई इशू नहीं आता है। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक, बट इट्स नॉट दी मैंडेटरी थिंग। तो मैंने ये अपने बेबी के लिए यूज़ किया है, तो दिस इज द गुड वन आई वुड से। बट अगर आपको नहीं लेना तो अपने नॉर्मल वॉश से भी, नॉर्मल आपके पास जो डिटर्जेंट है उससे भी वॉश कर सकते हैं। उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो लिक्विड वाला डिटॉल होता है ग्रीन वाला, दैट इज फॉर दी क्लोथ्स, तो आप उसमें एक बार वॉश करके ले सकते हो, तो उससे आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह है उसका इशू नहीं आएगा। क्योंकि इनिशियली एटलीस्ट 1 or 2 months बेबी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उस केस में कोई भी इन्फेक्शन ना हो बेबी के लिए, उसके लिए आप या तो ये यूज़ कर लो या तो फिर आप आफ्टर डिटर्जेंट जो लिक्विड वाला डिटॉल होता है वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मस्ट हैव थिंग इज दिस बेबी वाइप, तो ये आपको लेने हैं जैसे बेबी सूज पॉटी करते हैं उसको वाइप करने के लिए स्पेशली आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप घर पे इसे नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग कपड़े का यूज़ करके भी क्लीन कर लेते हैं, बट एटलीस्ट जब आप बाहर जा रहे हो कहीं बेबी, तब वहाँ पे आप कपड़े वगैरह पानी का यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हो देख लिए, वहाँ पर सडनली बेबी ने अगर पूप कर लिया, तो उस केस में आपको एटलीस्ट बेबी वाइप का जो पैकेट होता है वो लेके कैरी करना पड़ेगा। तो अगर आप घर के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप बड़े पैकेट ले सकते हो, वो आपको अफोर्डेबल एंड रीजनेबल बजट में मिल जाते हैं। अगर आप बाहर के लिए यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके के छोटे पैक यूज़ करते सकते हो, जिसको आप इजीली विदाउट मच लाइक बर्डन आप इसको आराम से अपने बैग में कैरी करके ले जा सकते हो, इस तरीके के छोटे वाले पैक। सो नेक्स्ट यू विल नीड दी बेड फॉर दी बेबी, तो इट्स अगेन नॉट दी मैंडेटरी थिंग, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक। तो वो थोड़ा सा आपके बेड से ऊपचा हो जाता है, तो इनिशियली वो रिस्क होता है ना कि आप कहीं गलती से बेबी के ऊपर हाथ पैर ना डाल दो सोते टाइम, तो वो एक चीज़ होती है। अगर मॉस्किटो वगैरह का भी कुछ इशू है या कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना आ जाए छोटे मोटे बेबी के आसपास, तो वो आप ये बेड ले सकते हो। मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रही अपना वाला, मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच कर रही हूँ, ये देख सकते हो। इसमें ना साथ में ही नेट होता है, तो आप नेट का जिप बंद कर दोगे तो पूरा पैक हो जाता है, तो उसमें बिल्कुल रिस्क नहीं रहता मॉस्किटो का, किसी भी इंसेक्ट्स का। वे भी एकदम आराम से पीसफुली इसमें सो सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट मैंडेटरी, इफ यू वांट यू कैन टेक दिस। देन आपको बेड के साथ ही लगने वाले हैं पेलो, तो आप इस तरीके के पेलो ले सकते हो, या तो आप ये राई वाला ले सकते हो, ये वाला जो है हमने घर पे बना के लिया था, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आजकल जो मस्टर्ड पेलो है वो आपको ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो मैंने ये घर पे इस तरीके से बना के लिया था। एंड अगर आपको राई वाला नहीं यूज़ करना तो आप इस तरीके के भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली न्यूबॉर्न बेबी जो है वो अपना जो हेड है वो सीधा नहीं रखते, या तो लेफ्ट रखते हैं या तो राइट रखते हैं, तो उस केस में आपको उसके हेड को सपोर्ट देने के लिए ये इस तरीके के पेलोस आते हैं, आपको बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे स्क्राइब वगैरह पे, तो आप इसे लेके रख सकते हो। तो इसमें आपने ऐसे बेबी के सर पे लगा दिया तो उसका हेड जो है वो इधर उधर मूव नहीं कर पाते, एंड हेड एकदम सीधा रहता है, तो इससे आपके बेबी का जो हेड है उसका शेप बिगड़ने का जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट यू विल नीड दी कॉम्ब फॉर योर बेबी। बहुत सारे लोग होते हैं कि कॉम्ब क्यों यूज़ करना इतनी छोटी बेबी के लिए, बट यू नीड दी कॉम्ब। आप अपने रेगुलर कॉम्ब से उसको बालों को कॉम्ब नहीं कर सकते, तो इस तरीके के जो ब्रश वाले कॉम्ब होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं बेबी के लिए, क्योंकि उनका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है स्किन, तो इससे आप आराम से बेबी को कॉम्ब कर सकते हो। तो ये भी आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम से लिया हुआ है, तो इस तरीके का एक कॉम्ब भी आपको जरूर से लेके रखना अपनी बेबी। नेक्स्ट यू विल नीड दी नेल कटर्स, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी की जो नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो आपको नेल कटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है डिलीवरी के बाद, डिस्चार्ज के बाद तुरंत ही आपको 10-15 दिन में हर थोड़े दिन में नेल्स काटने पड़ेंगे। आप 2-3 महीने के बाद तो देखोगे आपको हर वीक में नेल्स काटने की जरूरत पड़ेगी, तो नेल कटर लेना है। जैसे कि बेबी वाला नेल कटर, तो आपको अपना रेगुलर नेल कटर नहीं यूज़ करना है, बेबी के लिए अलग से नेल कटर मार्केट में आते हैं तो आप उसे ले सकते हो, तो ये इस तरीके का है। देन इसके साथ में नोज प्लकर भी आप ले सकते हो, मैंडेटरी नहीं है अगेन, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, तो ये प्लास्टिक का होता है, तो अगर बेबी के नोज म्यूकस वगैरह अटक जाता है तो उसको आप इससे आराम से निकाल सकते हो। ये एकदम प्लास्टिक का होता है, तो ज़्यादा बेबी को कुछ इधर उधर लगने के चांसेस नहीं होते। सेम आप नेजल एस्पिरेटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, ये अगेन म्यूकस को निकालने के लिए काम में आता है। ये मैंने ऑनलाइन फर्स्ट ट्राई से ही मंगाया हुआ है, तो इसको भी आप इस तरीके से पुश करके बेबी के नोज से म्यूकस वगैरह को निकाल सकते हो। तो अगेन दीज टू आर नॉट मैंडेटरी थिंग, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक फॉर योर बेबी। देन यू विल नीड दिस
कोल्ड रिलीफ रोल ऑन, ये अगेन मैंडेटरी नहीं है, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक दिस। तो जैसे न्यू बॉर्न बेबी को कोल्ड वगैरह लग जाता है तो आप घरेलू नुस्खे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अजवाइन वगैरह का शेक वगैरह दे सकते हो, वो कर सकते हो, और आप ये रोल ऑन लगा सकते हो बेबी को फीट वगैरह में, बेबी के बैक पे लगा दिया ना तो वो बहुत पीसफुली सो जाते हैं, क्योंकि अगर उनको कोल्ड हो गया अपने न्यू बॉर्न बेबी को तो आप स्टीम वगैरह नहीं दिला सकते, तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सो नहीं पाते पीसफुली। तो अगर आप ये यूज़ करोगे ना तो इससे आप आराम से उन्हें थोड़ा सा लगा दोगे फीट में, आप उनके आसपास सोने वाले कपड़े में थोड़ा सा रब कर सकते हो, लाइक बेबी के बेड के साइड में लगा दिया एंड बैक पे लगा दिया, तो उससे बेबी बहुत पीसफुली सो जाते हैं। अगेन नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड, बट यू कैन यूज दिस, दिस इज रियली इफेक्टिव, मैंने अपने बेबी के लिए यूज़ किया हुआ है। देन आपको लगने वाला है एक टमी रोल ऑन भी। तो जो इनिशियल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको कॉलिक का बहुत इशू होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी बेबी को कभी कॉलिक का इशू नहीं होगा, हर बेबी को कॉलिक का इशू होता ही होता है। तो कॉलिक इशू के लिए या तो आप घर पे बेबी को जो हींग है उसका घोल लगा सकते हो, बट उसको घोल को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कई बार बेबी बहुत क्रैंकी हो जाते हैं कॉलिक की वजह से, तो एकदम आपको सडन जब कोई चीज़ चाहिए हो तो आप ये रोल ऑन यूज़ कर सकते हो। बस आपने इसे उठाया, इसको इस तरीके से खोला, बेबी की टमी पर इस तरीके लगा दिया, तो इस तुरंत बेबी को रिलीफ मिल जाता है। तो आप घरेलू नुस्खा जो है हींग वाला वो भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आप या तो कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे कुछ इशू आ जाता है, तो आप इस तरीके का ये रोल ऑन जो है वो अपने बैग में कभी भी एनी टाइम कैरी कर सकते हो, तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। इससे भी जो कॉलिक का इशू है बेबी का, उसमें बेबी को जो है वो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। देन अगेन नॉट दी मैंडेटरी थिंग, बट यू कैन हैव दिस, आप इसे लेके रख सकते हो। सो दिस इज द पैसिफायर, यू कैन टेक दिस, मैंडेटरी नहीं है, बट मोस्टली सब लोग खरीद के रखते हैं एक ट्राई करने के लिए, क्योंकि इनिशियल एटलीस्ट जो वन मंथ वन एंड हाफ और टू मंथ वाला पीरियड होता है, उसमें बेबी कई बार बिना मतलब के ऐसे ही रोते रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो रात में सोते नहीं, रोते रहते हैं, तो उस टाइम पर बेबी को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए यू कैन यूज दिस पैसिफायर। मैंने इनिशियली वन मंथ बहुत ज़्यादा यूज़ किया पैसिफायर, एंड ऐसा लोग बोलते हैं कि उससे बेबी को आदत लग जाती है, बट लकली मेरे बेबी को उसकी बिल्कुल भी आदत नहीं हुई, एंड वो अभी कभी भी डिमांड नहीं करती पैसिफायर की। बट ये या आप यूज कर सकते हो जब बेबी बिना मतलब कि ऐसे ही थोड़ा क्रैंकी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो रात में स्पेशली जब आपको नींद आ रही है, आप थोड़ा सा चाह रहे हो कि सो जाओ, तो उस टाइम पे, और कई बार क्या होता है ना बेबी पैसिफायर को लगा के सो भी जाते हैं, मैंने अपनी बेबी के साथ भी ट्राई किया हुआ, कई बार वो बिना मतलब कि थोड़ा सा इरिटेट हो रही हो एंड उसको पैसिफायर लगा दी, तो वो पैसिफायर लगा के ना सो जाती थी अपने आप ही लगाए लगाए, एंड बाद में वो हम उस पैसिफायर को रिमूव कर देते थे। तो आप उस केस में भी यूज़ कर सकते हो, अगेन नॉट मैंडेटरी थिंग, बट आप इसे लेके रख सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, आपको 100 rupees के आसपास की रेंज में ही मिल जाता है, तो आप इसे भी एक लेके जरूर से अपने पास में रख सकते हो। तो ये थी मेरी कुछ लिस्ट जो एज पर मी आपको पोस्ट और डिलीवरी न्यूबॉर्न बेबी के लिए इनिशियल 15-20 days वन मंथ में ये सारी चीज़ें लगने ही वाली हैं। तो अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस पीपल नहीं है जो आपको ऐसा कुछ बताने वाला हो घर पे कि आपको इन चीज़ों को लेके रखना है, सो आप मेरी इस लिस्ट को कंसीडर करके इन चीज़ों को भी बाय करके रख सकते हो, क्योंकि ये वाली लिस्ट ना आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब पर नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है वो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में नहीं लेके जानी होती, इसलिए इसका कोई भी वीडियो नहीं यूट्यूब पर। दैट्स वाई आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो बस ये थी मेरी लिस्ट जो आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए लगने वाली, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत असेंशियल हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नहीं भी परचेज करोगे तो भी चल जाएगा। सो दिस वीडियो वॉज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें दिखाई वो मैं पर्सनली अपने बेबी के लिए यूज़ करी थी, इसलिए मैंने आपको दिखा दी। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, एंड इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी आपके बेबी के लिए जब आप शॉपिंग करोगे उस टाइम पे। तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर प्रेगनेंट एंड एक्सपेक्टिंग बेबी सून। सो वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द मॉम स्पॉट बाय ज्योति। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।